कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि सलमान खान ने रानू मंडल को 55 लाख का घर गिफ्ट किया है, लेकिन रानू का कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता तो सलमान सभी के सामने घोषणा करते। इस बारे में खुद रानू मंडल का भी बयान आ गया है। रानू का कहना है कि अगर सलमान घर देते तो इसकी घोषणा ज़रूर करते। रानू ने घमासान.com से बातचीत के दौरान ये बताया कि जी नहीं, सलमान खान ने कोई घर नहीं दिया है, क्योंकि अगर वो मुझे घर देते तो सबके सामने मुझे पेश करते। मेरा मतलब है कि वो बोलते ही कि हाँ मैंने रानू मंडल को घर दिया है या फिर फ्रेंड को घर दिया है, मतलब कुछ तो बोलकर अनाउंसमेंट करते ना। वो जब तक नहीं होता ये सोचना ठीक नहीं है। रानू मंडल को पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर के गाने प्यार का नगमा है को गाते हुए देखा गया था, जिसके बाद इतेंद्र चक्रवर्ती नाम के एक शख्स ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और वो वायरल हो गया। इस वीडियो की बदौलत ही सिंगर और कंपोजर हिमेश रेशमिया ने उन्हें स्पॉट किया और रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर में बुलाने के अलावा अपनी फिल्म में भी गाने का मौका दिया। आगे रानू से जब यह पूछा गया कि क्या वो भी सलमान से उनकी फिल्म में गाना गाने के लिए मदद मांगेगी तो वो बोली कि जी नहीं, मदद के लिए मैंने कभी किसी को नहीं बोला और उनको भी ये बोलना दूर की बात है। एक गायिका के तौर पर मैंने अपने आप को हिमेश जी के हाथों में सौंप दिया था, उन्होंने मुझे सुपरस्टार सिंगर में गाने का मौका दिया, फिर जो गाने मैंने गाए वो सभी को पसंद आने लगे, इसके बाद सब लोग मुझे चाहने लगे, उनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ, वो मुझे भगवान के रूप में मिले हैं। वैसे तो रानू मंडल का पूरा कामकाज जितेंद्र चक्रवर्ती देखते हैं जो उनके मैनेजर हैं, लेकिन वो तपन दा के साथ जुड़े हुए हैं जो कि रानाघाट के क्लब के मेंबर है। रानू मंडल रातों रात मिले इस स्टारडम और प्यार से काफ़ी खुश हैं और उम्मीद करती हैं कि लोगों का प्यार यूं ही बना रहेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।